तो किसी भी खर्चे में थोड़े बहुत पैसे बचाने का शौक सभी को होता है, आपको है, मुझे भी है। कुछ लेने जा रहे हो तो सोचते हम कुछ थोड़े पैसे बच जाए तो अच्छा होगा, थोड़े बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो आज हम जियो के रिचार्ज के अंदर काफी ज्यादा पैसे बचाएंगे, मतलब लगभग पूरे ही पैसे बचा लेंगे आपके जियो रिचार्ज के लिए। ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है सबका इस वीडियो के अंदर। मुझे ठीक आने वाली है, एक सेकेंड। सॉरी। एनीवेज, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, काफी लोगों को पसंद आया वीडियो। छोटी सी क्विक वीडियो बनाई थी मैंने कि कैसे आपने जियो का टॉक टाइम बैलेंस रीयूज कर सकते हो अपने रिचार्ज के लिए। लेकिन उस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही लोगों को, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने पूछा है कि मेरे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे रिचार्ज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मुझे सबका सॉल्यूशन मिल चुका है, तो आप जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे आप सभी को मैं अब आंसर देना चाहता हूं। तो आई होप आप वीडियो देख रहे हो, और आप में से जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच जाए और वो अपने थोड़े पैसे बचा पाए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ताकि थोड़ी हेल्प मुझे भी हो जाएगी, थोड़ी हेल्प आपको भी हो जाएगी। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि चैनल पर जो डेली टेक्नोलॉजी वीडियो आती है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं, तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। बिना किसी बकवास के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने जो पहले वाली वीडियो में बताया था उसमें सिंपली मैंने 4G डेटा वाउचर का रिचार्ज किया था, जबकि मैंने मेन बैलेंस का रिचार्ज नहीं किया था। और उसकी वजह से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ था कि हमारे मेन बैलेंस का रिचार्ज नहीं हो रहा है, अब शायद कंपनी ने बंद कर दिया ये फीचर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी का फीचर चल रहा है। उसके लिए मैंने थोड़े पैसे भी गाड़े इस वीडियो को बनाने के लिए, 100 रुपए का रिचार्ज किया। This is business. मेरे जियो टॉक टाइम में बैलेंस लाने के लिए। नो, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं मेरे पास जो डाटा बैलेंस है वो 160 रुपीज है। इस वीडियो के लिए मैंने लेके आया हूँ, टॉक टाइम बैलेंस के अंदर रिचार्ज किया मैंने, ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। नो, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डाटा वाउचर रिचार्ज होता है ये 21 रुपीज, 51 रुपीज, 101 रुपए का, ये सब आप रिचार्ज कर सकते हो अपने टॉक टाइम बैलेंस से बिना किसी दिक्कत से। और अगर आपको मेन बैलेंस का रिचार्ज करना है तो बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं शो हो रहा है। तो बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उनके पास जो टॉक टाइम बैलेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक महीने का प्लान लेना है 1 GB पर डे वाला, और वो आपको पड़ेगा 140 रुपीज का, 150 रुपीज का। और अगर आपके पास टॉक टाइम बैलेंस सिर्फ 100 रुपीज का या 130 रुपीज का भी है तो भी वहाँ पे शो नहीं होगा जब आप रिचार्ज करने जाओगे। आपके जो टॉक टाइम बैलेंस में जो अमाउंट है वो जो आप रिचार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा या उतना होना चाहिए एक्जैक्टली, तभी वो वहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज वहाँ पे शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेरे पास 160 रुपीज टॉक टाइम बैलेंस के अंदर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 GB पर डे का जो रिचार्ज प्लान है वो काफी सस्ता है, 140 रुपीज का है। तो उसको जब मैं ओपन करूंगा और रिचार्ज करने के लिए खोलूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है कि मैं रिचार्ज कर सकता हूँ अपने टॉक टाइम बैलेंस से, तो मुझे अपने जेब में से एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेरे जो टॉक टाइम बैलेंस में पैसा पड़ा हुआ है वही वहाँ पे लग जाएगा। और आप सोच रहे होंगे टॉक टाइम बैलेंस में पैसा कहाँ से आता है, तो टॉक टाइम बैलेंस में जो पैसा वो आप लोग खुद रिचार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो मिनट्स आते हैं, आपके जो भी पर्टिकुलर प्लान है उसके अंदर आपके, फॉर एग्जाम्पल मेरे 3000 मिनट्स आए हैं इस प्लान के अंदर, तो 3000 मिनट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो मुझे अगर एक्स्ट्रा लोगों से बातें करनी है तो, क्योंकि जियो टू फ्री है लेकिन जियो टू कोई अननोन जैसे जियो टू एयरटेल, जियो टू वोडाफोन, ये सारे पे आपके पैसे लगते हैं, आपके मिनट्स लगते हैं। तो अगर वो मिनट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है 50 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपए का रिचार्ज करते हो तो उसके अंदर आपको 8 रुपए या 7 रुपए का आपको टॉक टाइम बैलेंस मिलता है और आपको 1 GB एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये आपको ऑफर है, तो आप अगर आपने कभी रिचार्ज किया हो टॉक टाइम बैलेंस में तो वहाँ पे आता रहता है और वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका डाटा प्लान खत्म भी हो जाता है तो भी वो जो टॉक टाइम बैलेंस है वो आपके लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आपके उसके अंदर है आप उसको रीयूज कर सकते हो जितना भी आप चाहो। और एक देख सकते हो मैं कोई दूसरा प्लान चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 200-300 रुपए वाला, और उतना अमाउंट मेरे टॉक टाइम बैलेंस में नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगा कि मैं उसको यूज कर सकूं। मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि 140 रुपीज, अगर 160 रुपीज में यहाँ पे यूज करूँ बाकी का जो पेमेंट है वो मैं अपने अंदर से कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप अपना डाटा प्लान कर सकते हो रिचार्ज। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, आप इजीली रिचार्ज कर सकते हो अपने डाटा प्लान के अंदर। तो छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मैं चैनल पर डेली वीडियो डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच, मिलता सबको वीडियो में। पीस आउट, लव यू।